माय चैनल। आज मैं फिर से एक नॉनवेज रेसिपी लेके आई हूँ, शामी कबाब। बहुत ही टेस्टी बनते हैं और ये मैं चिकन के शामी कबाब बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने मिंस चिकन लिया हुआ है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं यम्मी यम्मी शामी कबाब। ये देखिए, उसमें डालने के लिए हम मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने क्या लिया है, ये बड़ी इलायची है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ये लौंग है, दालचीनी है, छोटी इलायची है, और ये काली मिर्च और धनिया और जीरा, और ये कुछ तेज पत्ता है, और ये जावित्री है थोड़ी सी, और ये लाल मिर्च है। इन्हीं सब चीजों को हल्का सा हम लोग फ्राई करके, मतलब हल्का सा सॉटी करके इसको हम पीस लेते हैं। इसको हमने ड्राई रोस्ट ही करना है। ये जैसे मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं ये सभी मसाले डाल दूंगी, इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसको फिर पीस लेंगे ठंडा होने पर। फ्रेंड्स, शामी कबाब बनाने के लिए मैंने कुकर लिया है। कुकर में मैंने ये आधा किलो के करीब मेरा मिंस चिकन है। आप, मैंने जैसा कि पहले भी बताया, आप जरूरी नहीं है कि मिंस चिकन ही ले, आप बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हम सभी मसाले थोड़े से डाल देते हैं। ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसमें हम दो तीन तेज पत्ता डाल देते हैं, थोड़ा सा दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, एक मिर्च डाल दीजिए, और प्याज को भी हम काट के डाल देते हैं उसी में ही, और एक ये ड्राई जिंजर डालेंगे, जिसको कि हम सौंठ भी बोलते हैं, आधा चम्मच के करीब, और हम देगी मिर्च का पाउडर भी थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें, आधा चम्मच के करीब। इसमें मैं थोड़ा सा मीट मसाला डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, आधा चम्मच के करीब मीट मसाला डाल दिया मैंने, ये जरूरी नहीं है कि आप डालें। और इसमें आप नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा सा नींबू डाल देते हैं, नींबू का रस। और अब हम इसमें जिंजर गार्लिक, चाहे तो आप पीसेस करके डाल दें, नहीं तो मैंने पेस्ट बना रखा है, मैंने वो आधा चम्मच के करीब डाल दिया पेस्ट। अब ये देखिए, मैंने एक चने की दाल ली हुई थी, जिसको कि मैंने भिगो लिया था दो तीन घंटे पहले। ये एक कप के करीब, एक कटोरी के करीब चने की दाल है, जो फूल के इतनी हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने पेस्ट बनाया है, ये जो सारी चीजें डाली थी कुकर में, उसी में हम लोग चने की दाल डाल देते हैं। ये देखिए, मैंने चने की दाल डाल दी इसमें, अब हम इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। नमक भी हमने स्वादानुसार डाल लिया था, तो नमक कम नहीं रहना चाहिए, आप देख लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, और इसमें मैं एक कटोरी के करीब पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें चने की दाल और चिकन दोनों चीजें अच्छे से गलानी है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको विसल लगा के, तीन चार विसल लगाने तक इसको हम पका लेते हैं। खोलते हैं, ये देखिए ठंडा हो गया अब हमारा। इसको हम पीस लेते हैं मिक्सी में डाल के। ये देखिए, हमने इसको पीस लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा प्याज, ये मैंने दो मीडियम साइज के प्याज बारीक काट लिए हैं, ये धनिया और पुदीना काट लिया है, और ये हरी मिर्च, ये सब हम इसमें डाल देंगे। ये हमने सब डाल दिया है। अब जो हमने मसाला पीसा था, जो खड़े मसाले पीसे थे, वो भी हम इसमें डाल देंगे थोड़े से, ये फ्लेवर के लिए। ये डाल दिया हमने एक बड़ा चम्मच। अब इसमें थोड़ा सा मैं बेसन डाल रही हूँ,
बेसन को मैंने थोड़ा सा भून लिया है जिससे उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आएगी इसमें। तो ये थोड़ा सा मैंने बेसन डाल दिया इसमें, एक बड़ा चम्मच समझ लीजिए आप या दो छोटे चम्मच, और इसको अब हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। अब इसमें मैं दो एग फेंट के डाल रही हूँ, आप चाहें तो एग फेंट के अलग से ऊपर से कोटिंग भी कर सकते हैं, मैं इसी में मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए इसमें मैं डाल देती हूँ, तो ये हमारा बैटर बन गया है। अब हम इसके कबाब बनाएंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटे की तरह डो होना चाहिए बिल्कुल, जरा सा भी आपको लगे कि ये इसमें पानी ज्यादा है तो आप वही बेसन जो मैंने बोला था वही भून के डाल देंगे। ये देखिए इस टाइम बिल्कुल ठीक है। अब हम इसके कबाब बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा डो अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा लेंगे जिससे कि ये चिपके नहीं, और एक ही साइज के आप देख लीजिए जितने बड़े भी आपको बनाने हैं कबाब उतने बड़े आप इसको कर लीजिए। मैं एक नींबू से थोड़ा सा बड़ा पीस ले रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से हम ये कबाब बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेते हैं। बस हल्का सा ऑयल जरूर लगा लीजिए हाथ में। इसी तरह से हम सारे बना लेते हैं। ये देखिए मैंने फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके अंदर ये मैंने टिक्कियां जो अभी बनाई थी वो हमने रख दी हैं। बिल्कुल सिम पे बनानी है धीरे धीरे, और जब एक तरह से सिक जाएगी तो हम पलट देंगे। तो अभी इनको सिकने देते हैं और इसको ढक के रख देते हैं। ये देखो ये एक तरफ से सिक गए हैं तो अब हम इसको पलट देते हैं जिससे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सिक जाए। और ये हमारे शामी कबाब बन के रेडी है। इसको आप चाहे तो रुमाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं प्याज और धनिया की चटनी के साथ और लच्छा प्याज डाल के। अभी हम इसको दूसरी तरफ से भी सिकने देते हैं। ये देखिए हमारे शामी कबाब बन के रेडी है। इसको आप चटनी के साथ खाइए, रुमाली रोटी के साथ खाइए, किसी के साथ भी खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसी तरह से आप बनाइए, खुद भी खाइए, दूसरों को भी खिलाइए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।